जैसे सेब खा के ना किसी वहाँ के इटली के डॉक्टर को ऐसे दांत से काट के देखती, क्या पता तेरा जहर उसको चढ़ जाता है। सेब से जहर बनता है ना वहाँ, तो डॉक्टर से पूछा नहीं आपने सेब खिलाया मुझे जहर एसिड क्यों बना। पूरी बॉडी में दर्द है, कहाँ जहर चढ़ के तो देखो। कितना है ये नहीं पूछ रहा मैंने, ये पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कम हुआ है। हल्का सा मैं कान में फूंक मारता हूँ देख रहा। होने तो जो होता है होने, मैं देख लूं। अच्छा चल के ढाई महीने से लगातार दर्द, एक पल के लिए भी नहीं गए, आधे से ज्यादा कम होता ही नहीं है। नहीं होता, बहुत इलाज करवाया। अच्छा ये ढाई महीने में डॉक्टर के पास कितना पैसा गया? नहीं पाना। क्यों? फ्री है ना, नहीं जाते हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते नहीं रहते, जैसे हमने मेडिसिन लेनी होती है ना। तो मेडिसिन का कितना पैसा लगा? दस पंद्रह हजार। तो दवाइयाँ तो बहुत महंगी है, उठे भारत में सस्ती है इंडिया में। अच्छा दर्द देखो, दर्द कितना कम हुआ कुछ हो? बोलिए शनिदेव महाराज की। वो छोड़ दो, तुम मैं जो पूछता हूँ, जैसे जब आधाई दर्द निकलता था तब डॉक्टर क्या कहते थे? घर चले जाओ, बोले इससे ज्यादा ठीक ही नहीं होगा, एडमिट नहीं करते। क्यों? रीजन है तो सही, पूरी बॉडी में दर्द, आंखों में। भारत के डॉक्टर देखे, पूरी बॉडी में दर्द रहता है तब भी एडमिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ इलाज फ्री है, डॉक्टर फ्री है, ऑपरेशन भी फ्री है, दवाइयों का पैसा देना है केवल आदमी ने, और उस दवाइयों में से कोई कमीशन वहाँ के डॉक्टरों को नहीं मिलता, इसलिए वो रिस्क लेते ही नहीं है। नहीं, आंखों में देखना देखे। कहीं कहीं देख रही आंखों में, हाँ तो देखना फिर। जला नहीं हो रही है, घबराहट भी हो रही है। क्यों?
डॉक्टर बोलते हैं वीकनेस है इसीलिए। डॉक्टर की नजरिए से वीकनेस है ना, मेरे नजरिए से तो नहीं, आंख में देखने से शेक करने लगी, वैसे तो नहीं कर रही थी ना, जब हॉस्पिटल में होती है तब करती है। तो जो अंदर है वो हॉस्पिटल के डॉक्टरों से डर रहा है कहीं सुई ना लगा दे। तेरा घूमने का काम है? अभी तो रहते हो, दर्द है कष्ट है इसके अलावा हमेशा? मेरा मन ही नहीं करता बात करने के लिए, किसी पर मुंह नहीं है। एकांत में रहने का मन करता है क्यों? अच्छा नीले निशान पढ़ते हैं अभी? नहीं पढ़ता कोई भी नीले निशान पुरुष है? अच्छा कभी पुरुष वाले भाव आते हैं, पुरुष वाले आदमी वाले? नहीं पहले मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि ना एक खौफ सा नहीं होता। हाँ वो जैसे भय लगता है, खौफ भी नहीं करता, चिड़चिड़ापन नहीं होता। हाँ तुम भी अच्छे नहीं लगते जी भी जी कुछ। हाँ मेरा अगर कोई इच्छा, अगर कोई बोल रहा है थोड़ी देर, दो मिनट भी ज़्यादा बोल लिया तो भी अच्छा नहीं लगता, क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो भी अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं ऐसे बैठना चाहती हूँ, सारे चले जाओ पक्का। हाँ मैं घर चले जाए, मैं घर में रहती हूँ ना तो सारा दिन अकेली रहती हूँ घर में, सारे दिन बच्चे काम कर जाते हैं, हस्बैंड काम कर जाते हैं, इसलिए नौ अकेली होती, इसलिए मैंने डॉग पाला। और डॉग हो जाने कैसा है, जब मैं हमारे तो वो खाता कुछ मैं खिलाऊँगी प्यार तभी, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा, मैं बच्चा से इतना सजा पाला उसकी अटैचमेंट बहुत है। और उस मुझे बोला गया था कि तुम्हें डिप्रेशन है वहाँ डॉक्टरों के द्वारा, इंडिया वालों ने नहीं, वहाँ भी सारे सारे। एक ना भ्रम की बीमारी होती है उसको बोलते हैं क्या, सीजियोफ्रेनिया, वो भी बोल रखा है। इसलिए मैंने डॉग पाला, मेरे बेटे ने मुझे डॉग लिया, छोटा बच्चा पप्पी लिया, इसके साथ खेला तो मैं अकेली रहती हूँ शायद, लेकिन मैं अकेली नहीं रहती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मेरा जब भी मन नहीं रहता, मैंने अपने घर में एक मंदिर बनाया, मैं वहाँ बड़ी खुश रहती हूँ, दोनों टाइम मैं बैठती थी, चौंका लगाती थी, मैं बाबा नानक के जो बड़े पर जाते हैं ना उसको उसका जप करती, मैं बहुत कर रही हूँ। हमें आपने दीदी ने बोला, जहाँ दीदी थी जो मेरा जप करती थी, उन्होंने कहा कि आप ना जोड़, तो मैंने वो भी जोड़ लिया, मैंने अपने गुरबानी में जहाँ पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, सब कुछ कर, जब मेरा मन कर मैं बैठ जाती हूँ, अगर रोना है उसके सामने तो भगवान के सामने। हाँ तो आप पहले जब मैंने बताया आप कितने भाई ने देखा था, उन्होंने बोला कि आपके पीछे मुझे कुछ प्रकाश, हाँ लेकिन मुझे नहीं पता भी कौन है, मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही बाबू को बाबू शिव को पता नहीं, जब इनको पहचान में नहीं आया वो कुछ भी नहीं था, चलो फिर इन्होंने पितोष और प्रितोष बताया, तो आपने इलाज किया ठीक हो गए, मैं फिर बताया तो वो बोले कि ठीक है अब कुछ नहीं, आप वहाँ गए ठीक भी रहे? तीन महीने लगातार ठीक। उसके बाद थोड़ा 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 थोड़ा, उसके बाद फिर मतलब एकदम से ज़्यादा नहीं? नहीं अभी ढाई, हाँ ढाई महीने आप मान। कभी ऐसा लगता है कि कोई मेरा वहाँ शत्रु भी हो सकता है? चल नहीं नाम नहीं बताते पर हाँ ऐसे हाँ ना में जवाब मांगा है, आओ खड़े हो अब चल। अच्छा ये बताओ दर्द में क्या? कितने परसेंट रह गया आपको, कहाँ लग रहा है? जॉइंट में पांव बस, और जहाँ नहीं है जहाँ। एक बार डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, आप एडमिट हो गए, वो ग्लूकोज भी चढ़ा रहे, दर्द कभी भी पूरा गया नहीं, आधा रहा आधा रहा, क्या बाधा है या आधे से कम है? जे तो नहीं है, जे तो हो नहीं रहा, जे भी नहीं हो रहा, ऐसे नहीं पकड़ पाता कोई, मैं व्हील चेयर पर आई हूँ ना, मुझे उठाकर ऐसे बैठाया नहीं जा सकता, इतनी पेन है। तो अभी जहाँ तो नहीं है, पाँव में है, कहाँ जोड़ों? अच्छा टच करो ऐसे दबाओ, नहीं जब चलती हूँ तभी। अच्छा और बाकी पूरे शरीर का ठीक हो रहा है? अच्छा ये एक बात और बताओ मुझे, 50% की बात, 50% से स्लोप नीचे आया कि नहीं आया? 70 लग रहा है आराम, चलो आओ।